Who did the food security in India? Government. Government. Tropical evergreen forest, वहाँ का rainfall जो है वो about 200 centimeters से ज़्यादा होता है, heavy rainfall होता है वहाँ पे. वहाँ के trees जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, above 60 centimeters. एंड वहाँ के जो पेड़ हैं. खुशबू चौधरी. So खुशबू, what is your topic? Food security. What do you mean by the food security? Food security means availability, accessibility or affordability to all the people at all the time. Of the availability of what? Food or something else? Food. Okay. Who did the food security in India? Government. Government ने कोई special organization बना रखी है इसके लिए? PDF. अंत्योदय योजना का नहीं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी काउंसिल है जो इस ये काम देखती है. ओके, सो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी हो गया है. व्हाट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक इज स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट. ओके, प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट. The Food Corporation of India purchased wheat and rice from the farmer in states and pre-announced price. Okay, that means मैं इसी organization के बारे में पूछ रहा था, Food Corporation of India. What is ये जो food procured करती है, government store करके रखती है, इसे जो है आम लोगों तक कैसे पहुँचाया जाता है? Sir, by जो मतलब poorest of the poor है, उसके लिए अंत्योदय अन्न योजना कार्ड बना है. Okay. और जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है उसके लिए BPL कार्ड बना है. ओके, और अबो पॉवर्टी लाइन के लिए. अबो पॉवर्टी लाइन करना, ये लाइंस कैसे डिसाइड होती है? ये जो एस्टिमेट लाइन आप बता रही हैं कि अबो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन. सर, जो 10 रुपये पर मंथ कमा लेता है. 10 रुपये. ओके, आपने आगे लिखा हुआ है राशन कार्ड्स भी आपके हो चुके हैं. व्हाट इज PDS? PDS refers to a public distribution system, FCI, procured by FCI. FCI distribute among the poor through government regulate ration shops, the consumer issue ration card. Okay, and what is MSP? MSP refers to FCI. FCI collect wheat and rice to the farmer and paid pre-announced price is called minimum support price. Okay. इंडिया में फूड इनसिक्योर्स आप जानती होंगी, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर्स पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र. ओके, वेरी गुड, यू मे गो नाउ. ये यही रखिए फाइल. नेक्स्ट, व्हाट इज योर टॉपिक? माय टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्डलाइफ. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्डलाइफ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेजिटेशन? वेजिटेशन, प्लांट कम्युनिटी. प्लांट कम्युनिटी ऑफ अ प्लेस. ओके, वेरी गुड. एक और वर्ड हम यूज करते हैं जनरली वेजिटेशन के लिए, वो क्या है? नेचुरल वेजिटेशन. नहीं, नेचुरल वेजिटेशन के अलावा हम जो प्लांट्स और जो होते हैं वेजिटेबल, फॉरेस्ट एरिया होते हैं, जनरली आप वेजिटेशन को फॉरेस्ट एरिया में डिवाइड करते हैं. यस. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया? फॉरेस्ट 5 टाइप. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न एंड शॉप फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट. इन इंडिया क्या सभी जगह का क्लाइमेट, सॉरी जो वेजिटेशन है वो सिमिलर है? नो सर, सभी जगह का क्लाइमेट मतलब उनके क्लाइमेट कंडीशन, सॉइल, वाटर और सनलाइट की वजह से सारी जगह का जो मतलब वेजिटेशन है वो अलग अलग टाइप का होता है. अलग अलग टाइप का होता है, तो आप इनको मेजर फैक्टर बोल सकते हैं जिनकी वजह से किसी जगह की वेजिटेशन डिफाइन की जाती है. तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए आप. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वहाँ का रेनफॉल जो है वो अबाउट 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पे. वहाँ के ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, अबो 60 सेंटीमीटर.
एंड वहाँ के जो पेड़ हैं वहाँ पर रोजवुड और रबड़ के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं. उसके बाद वहाँ की मतलब जो पेड़ हैं उनकी लीव्स शेड नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और जो पेड़ हैं वो ज़्यादा हरे भरे रहते हैं और इसीलिए शायद इनको क्या बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट. एक और नाम है इनके लिए जनरली हम यूज़ करते हैं हैवी रेनफॉल फॉरेस्ट. ओके, अगर हम बात करें तो माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है. माउंटेन फॉरेस्ट जहाँ पर मतलब बर्फीली जगहें जहाँ पर पेड़ जो हैं वो हाइट तो उनकी ज़्यादा नहीं हो पाती है, मतलब थोड़ी हाइट होती है लेकिन वो उनकी लीव्स को जो है ऐसे ट्रायंगल शेप में रखते हैं जिससे यहाँ पे बर्फ जहाँ पे होती है वो उनके नीचे स्लाइड करके आ जाती है तो वो पेड़ पे ज़्यादा टिक नहीं पाती. अच्छा, स्लाइड नहीं कर पाती मतलब माउंटेन्स एरिया में जो पाए जाने वाले फॉरेस्ट हैं वो जो है हमारे माउंटेन फॉरेस्ट कहलाते हैं. और अभी करंटली हम न्यूज़ वगैरह में सब जगह देखते हैं कि जो वेजिटेशंस हैं हम लोगों ने जो है ह्यूमन बीइंग्स ने जो है उनको काफ़ी तरीके से वेस्ट किया हुआ है. तो आप ऐसे दो स्टेप्स बताइए, ओनली दो टू स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं वेजिटेशंस को बचाने के लिए. बहुत सारे लोग जो है फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं मतलब बिना परमिशन के और आजकल ना लैंड मतलब पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज हो रही है तो लैंड की सबको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो बहुत सारे लोग ट्री बहुत ज़्यादा अमाउंट में कट कर रहे हैं, उससे वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है. और एक टाइप से जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सबको मतलब फूड रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो रही है तो सब अपनी जो लैंड एरिया है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो उस वजह से बहुत ज़्यादा वेजिटेशन जो हैं. ओके ओके, आप जो हैं दो स्टेप्स ऐसी बताइए या फिर आप कीजिए कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स टेकन की है टू प्रोटेक्टेड जो फ्लोरा एंड फोना यानी जो वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली हैं, आप उन स्कीम्स के बारे में बताएंगे कुछ. गवर्नमेंट टेक मेनी स्टेप टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना टू रिजर्व द फॉरेस्ट एरिया इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. 18th बायोस्फीयर हैज बीन रिजर्व सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना. ओके, और एनीवन एल्स इसके अलावा कुछ. उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज लागू की थी प्रोटेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट राइनो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. बहुत सारे एनिमल्स को भी सब हार्म कर रहे हैं, उनकी शिकार कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने किए प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लिए थे जिससे वो एनिमल को प्रोटेक्ट कर सके. ओके, वेरी गुड ऋषिका मंडलोई, यू मे गो नाउ.